फ्रेंड, हेलो बंधुरा, मैं हूं मोनिका और आप सभी को मेरी चैनल मॉन्स मेट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग के बारे में, जिसे एंशियन आयुर्वेदिक डेंटल टेक्निक में गुंदुसा या कवाला नामों से जाना जाता था। मुझे पता है आप लोग अब बोलेंगे हमें हमें तो पता है। हाँ, आप लोगों में से बहुत जनों को इसके बारे में पता है, लेकिन किसी को तो इसके बारे में पता नहीं है। जिसको पता है वो भी ये वीडियो देखिए और जिसको पता नहीं है वो भी ये वीडियो देखिए। देखिए, मुझे भी पहले ना इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने शिल्पा शेट्टी के एक इंटरव्यू में इसके बारे में जाना। फिर मैंने ऑनेस्टली बता रही कि मैं खुद भी एक दो यूट्यूबर के वीडियो देखा। देखिए, बचपन से ना मेरे दांतों को लेकर बहुत सारे फोबिया थे। मैं ना सपने देखते थे कि मेरे दांत टूट रहे हैं, तो मैं ना दौड़ के जाके मिरर में देखते थे कि मेरे दांत ठीक है या नहीं। तो दांतों के बारे में कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं उसके बारे में स्टडी करती हूँ। तो इसके बारे में जब जाना, मैंने सुना, तो मैं खुद जाके बहुत सारे स्टडी किया। फिर मुझे लगा कि मैंने इसके बारे में इतना कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आया इस वीडियो को लेके। तो इसके पहले जो बेसिक जो बेनिफिट है, देखिए इसके बेसिक बेनिफिट है कि हमारे दांत जो गम होता है, जिसके ऊपर हमारे दांत टिके होते हैं, तो इस गमों को ना गमों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे गम से खून झड़ता है, हमारे कभी कभी दांत छोटे हो जाता है, दांतों में कैविटीज होता है, जिंजिवाइटिस होता है, बैड ब्रेथ होता है, तो इसको ये ठीक करता है। हमारे दांतों किसी किसी के येलो हो जाता है, इसको भी ये ठीक करता है। और क्या करता है, हमारी दांतों के मतलब माउथ के अंदर हर्पीस नाम के एक वायरस होता है, जो बहुत पेन मतलब वो हर्पीस अपने आपके बॉडी के कहीं भी जगह पे हो सकता है। मेरे जैसे बचपन में हुआ था कि गले में हुआ था, तो मैं ना 10 से 15 दिन तक कोई सॉलिड खाना नहीं खा सकी, इतना पेनफुल था वो। तो ये हर्पीस नाम के वायरस को किल करता है, ठीक है। और हमारे किसी किसी को होता है कि थ्रोट जो होता है कभी कभी ड्राई हो जाता है, उसके वो किसके वजह से, हमारे सलाइवा मतलब जिसको हम लार बोलते हैं, तो इस सलाइवा की प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। आप बोलेंगे सलाइवा को प्रोड्यूस करने से क्या होता है, सलाइवा के अंदर ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, जो माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है। देखिए, मेरे पापा ना बचपन में एक बात बोलते थे कि मुझे मतलब बचपन में ना यहाँ पे पिंपल्स हो जाते थे, तो अभी भी यहाँ पे है, तो कम भी गया है। तो क्या होता है, पापा बोलते सुबह उठो, मुंह ना धो के उस थोड़ा लार लेके उस जगह पे लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ये होता था, आज भी होता है, तो आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये सच में होता है। तो सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए ये एक्ने को किल करता है, ठीक है। तो आपने आपके दांतों के मतलब गामों में इस गामों को ये नारिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और इतने तो माउथ के अंदर के। और हम आपको बता दें कि हमारे ना हर रोज़ दांतों के माउथ के अंदर 700 से भी बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसको जिसमें से 300 to 350 तक बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। सोचिए कितना बेनिफिट हुआ। और क्या करता है, दांतों को आपके जॉ के कभी कभी किसी को पेन हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करता है। ये तो गई माउथ के अंदर की हेल्थ की। अब क्या करता है, स्किन के ऊपर तो आपने आपको बता ही दिया, एक्ने को ये ठीक करता है, रिंकल्स को भी हटाता है, और एक्जिमा टाइप की एक स्किन डिजीज होता है, इसको भी ये किल करता है। ये तो गई स्किन के बाद। इसके बाद क्या करता है, हमारे किसी को साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ये सब सारे चीज़ को ये रोक लेता है। सोचिए कितना बेनिफिट हुआ। और इसके भी ये तो यही माइग्रेन के बाद। और क्या करता है हमारे बॉडी में ना, और क्या करता है बोल रही हूँ, मुझे पता है आप मैं इतने कुछ है ना, मैं और क्या करती हूँ बोल रही हूँ, लेकिन आप सुनेंगे तो सच में मतलब चौंक जाएंगे। हमारे बॉडी में ना 30 से भी सिस्टमेटिक जो डिजीज है इसको भी ये कील करता है। और क्या करता है, देखिए कितने बार बोल दिया, हमारी जो एनर्जी है उसको भी बहुत हद तक बढ़ाता है। हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक को ये रोकता है, डायबिटीज़ टाइप 2 के डायबिटीज़ को ये रोक लेता है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और बेली फैट को भी ये कम कर देता है। सोचिए
ठीक है। और हमारे माउथ के अंदर जो मतलब टांग होता है, टांग के बहुत सारे सेक्शन के साथ हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है, जैसे कि किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ये सारे की ना एक कनेक्शन रहता है। तो ऑयल पुलिंग के जरिए ना हम इसे पूरा सारे ऑर्गन को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सोचिए कितना बेनिफिट हुआ। तो आप इतने सारे बेनिफिट जान लिया तो आप करेंगे नहीं? मैं तो शुरू कर दिया जी, जब भी मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मैंने शुरू कर दिया। तो अब करना कैसे है? देखिए, इसका एक रूल्स है कि आपको एम्प्टी स्टमक में करना है। आप चाहे दिन के कहीं भी टाइम में कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ सुबह में, क्योंकि देखिए सुबह उठ के आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपके अब स्टमक एम्प्टी है या नहीं। रात में खाना खा के सो जाते हो, तो दिन में उठोगे तो आपके तो स्टमक एम्प्टी हो ही जाता है। तो सुबह उठिए और क्या करना है आपको, ऑयल लेना है। आप मैं जैसे कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ, जिसके किसी किसी के एलर्जी होता है, एलर्जी की बात है तो ये एलर्जी को भी ठीक करता है। तो जिसके कोकोनट ऑयल में एलर्जी है, वो और भी कोई ऑयल जैसे कि सेसमी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये शेशा की है, मैं यूज़ करती हूँ, और ये जम गया है, सर्दी के सीज़न है ना, तो इसको बहुत मतलब कसरत करके हमें अंदर से निकालना पड़ता है। देखिए ये तो प्लास्टिक के है ना, इसमें थोड़ा सा भी हीट आ जाता है ना, सुबह सुबह प्रॉब्लम होता है, मतलब सूर्य की किरण तो नहीं मिलते उस टाइम, तो हीट लगाने गए तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप इसलिए अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए इसके अंदर से निकालना है, इस तरह से चम्मच लेना है। इसके मैं ना शुरू शुरू में एक चम्मच लेता था, इसके 2 चम्मच लीजिए, शुरू शुरू में एक चम्मच कीजिए, फिर धीरे धीरे जब आपका हैबिट हो जाएंगे तो 2 चम्मच लेना है। लेके आपको मुंह के अंदर इसको डाल देना है। ऐसे कीजिए ऊपर में, दांतों के ऊपर के साइड में, बहुत ग्लो आ जाएगी दांतों में। देखिए आप सिर्फ खुद फीलिंग करेंगे कि हमारे दांत ना माधुरी दीक्षित की तरह हो गया है। तो इसके अंदर भी लेके जाना है, जितने हो सके अंदर लेके जाइए। फिर क्या करना है आपको, करना कितने टाइम है आपको, शुरू शुरू में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे 20 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मत कीजिए। फिर क्या करना है उसको, देखिए करते करते धीरे धीरे ऑयल तो ऑयल की कंसिस्टेंस तो बहुत थिक होता है ना, धीरे धीरे आप जब करते रहेंगे ना इधर उधर, ये ना वाटरी हो जाएंगे। फिर इसको आपको पिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, वार्म वाटर के अंदर थोड़ा नमक डाल के आप मुंह धो लीजिए। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी मुंह धो सकते हैं, ऐसे नमक के बहुत खुद के भी बहुत गुण होता है। नमक आपको दांतों में कोई पेन होता है, गम भी, इन गमों में भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसको भी ठीक करता है। गले में किसी को खिचखिचा दर्द होता है तो इसको भी ये ठीक करता है, नमक से गार्गल करते हो तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से कर लीजिए। फिर क्या करना, आप हर रोज़ जो टूथपेस्ट यूज़ करता है उसको उसको लीजिए और ब्रश कर लीजिए। ये तो हो गया। इसके एक सावधानी क्या है आपको ना, अगर आपके स्टोमक अपसेट है, जैसे कि पेट की कोई प्रॉब्लम हो या अपनी आपकी तबीयत ठीक ठाक नहीं है, तब ना इसको स्किप कर दीजिए। करना कितने टाइम, अब हफ्ते में अगर बोल रहे हैं कि आपके टाइम नहीं है, देखिए टाइम सबको मिल ही जाता है, लेकिन कोई किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो हफ्ते में 3 से 5 डे कीजिए, और हर रोज़ कर सकते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। और बच्चों को भी ये ना आप करा सकते हैं। देखिए मुझे पर्सनली लगता है कि 10 सालों के ऊपर के बच्चों के कराना चाहिए। देखिए आजकल तो मिठाई की चीज़ बहुत बनता है, मतलब शुगर से बहुत सारे चीज़ बनता है, हम लोग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो कैविटीज़ के प्रॉब्लम हो जाते हैं और दौड़ के डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसको अगर रोकना है तो 10 साल के बच्चे को हैबिट कीजिए, तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन देखिए जिसकी कैविटी हो गया, ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं बोलूँगी ऑयल पुलिंग के जरिए उसको कम हो जाएगी, तब तो डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये भी बच्चों को भी कराइए, और मैं खुद एक सलाह दूंगी कि प्लीज़ अपना दिन में तो उठ के ब्रश कर रहे हैं ऑयल पुलिंग के बाद, लेकिन रात को भी कर लीजिए। आपके दांतों में खाना खाते हैं ना, जो जितना भी मुंह धो लीजिए, थोड़ा इधर उधर रह जाता है ना, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसकी वजह से आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम, कैविटी की प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्लीज़ 2 बार, एक तो खाना खाने के बाद, डिनर के बाद कीजिए, और सुबह उठ के ऑयल पुलिंग के बाद बिल्कुल कीजिए, तो आपके दांत ठीक रहेंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इनामिल भी खराब हो सकता है दांतों की। तो ये बात हो गई, तो ये एक पुराने रीति है, लेकिन आपको अब लग रहा है ना ओल्ड इज गोल्ड,
तो इसको यूज़ कीजिए। मैंने तो सुन के यूज़ करना शुरू किया, मुझे लगता है आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो आज के वीडियो में मुझे जितना तक इन्फॉर्मेशन था मैंने सारे आपको बता दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन में हिट कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी और भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात बताना है कि आपको आप वाटर को मिसयूज़ मत कीजिए, खुद हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। आप अगर हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो आप आसपास के लोगों को सभी खुश रख सकते हो। तो आज के वीडियो यहीं तक, बाय।